विपक्ष के नेताओं के साथ राहुल गांधी का श्रीनगर दौरा आज। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विपक्षी नेताओं से कहा, यहां आने से बचें, अशांति पैदा होने का खतरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संकट में फंसी अर्थव्यवस्था पर कैश फ्लो बढ़ाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की निकासी रोकने के लिए अब FPI पर नहीं लगेगा सुपर रिच सरचार्ज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2019 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.8% से 6.2% किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में देर रात 4 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोगों की मौत, 5 लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेज़न के जंगलों में आग से निपटने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति ने सेना भेजी। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। एंटीगा टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने पहली पारी में दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। और एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 67 रन पर सिमटी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए।